रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं मितेश कुमार, अतिथि संकाय योग विभाग रांची विश्वविद्यालय। आज का हमारा विषय है बौद्ध दर्शन का परिचय, जो कि हमारे सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए उपयोगी है। बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। बुद्ध का जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी पूर्व हुआ था। इनका जन्म हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान में एक राजवंश में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और राजवंश में जन्म लेने के फलस्वरूप इनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए इनके पिता ने भिन्न भिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद का प्रबंध किया था, ताकि सिद्धार्थ का मन विश्व की क्षण भंगुरता तथा दुख की ओर आकर्षित न हो। पिता के हजारों प्रयत्नों के बावजूद सिद्धार्थ का मन संसार की दुखमय अवस्था की ओर जाने से बच न सका। कहा जाता है कि एक दिन घूमने के समय सिद्धार्थ ने एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक वृद्ध और श्मशान की ओर ले जाते हुए एक मृतक का शरीर देखा। इन दृश्यों का सिद्धार्थ के भावुक हृदय पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन दृश्यों के बाद बुद्ध को यह समझने में देर न लगी कि संसार दुखों के अधीन है। संसार के दुखों को किस प्रकार दूर किया जाए, यह चिंता निरंतर बुद्ध को सताने लगी। दुख के समाधान को ढूंढने के लिए एक दिन वो आधी रात को अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े तथा उन्होंने संन्यास को अपनाया। इस प्रकार पत्नी का प्रेम, पुत्र की महत्ता, महल का वैभव एवं विलास का आकर्षण सिद्धार्थ को संसारिकता के डोर में बांधने में असमर्थ साबित हुआ। विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलने के बाद उन्हें ज्ञान मिला, उन्हें जीवन के सत्य के दर्शन हुए। तत्व ज्ञान अर्थात बोधि, इनलाइटमेंट प्राप्त कर लेने के बाद बुद्ध इनलाइटेंट की संज्ञा से विभूषित किए गए। इस नाम के अतिरिक्त उन्हें तथागत, जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप में जानता हो, तथा अर्हत, दवर्दी की संज्ञा दी गई। सत्य का ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने घूम घूम कर जनता को उपदेश देना आरंभ किया। दुख के कारणों और दुख को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दुख से त्रस्त मानव को दुख से छुटकारा पाने का आश्वासन दिया। बुद्ध के उपदेशों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म एवं बौद्ध धर्म के दर्शन का विकास हुआ। बौद्ध धर्म सर्वप्रथम भारत में फैला। बौद्ध धर्म के भारत में पनपने का मूल कारण उस समय प्रचलित धर्म के प्रति लोगों का असंतोष था। उस समय भारत में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, जिसमें बलि प्रथा की प्रधानता थी। पशु, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी बलि में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था। हिंसा के इस भयानक वातावरण के विकसित होने के कारण बौद्ध धर्म, जो अहिंसा पर आधारित था, भारत में लोकप्रिय होने का दावा कर सका। कुछ ही समय बाद धर्म भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु नृपों यानी राजाओं एवं भिक्षुओं की सहायता से दूसरे देशों में भी फैला। इस प्रकार धर्म विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। बौद्ध दर्शन की अनेक अनुयायी थे। अनुयायियों के मतभेद रहने के कारण बौद्ध दर्शन की अनेक शाखाएं निर्मित हो गई, जिनके फलस्वरूप उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन का, जिसमें दार्शनिक विचारों की प्रधानता है, सृजन हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन आरंभिक बौद्ध दर्शन से बहुत सी बातों से भिन्न तथा विरोधात्मक प्रतीत होते। यहाँ पर हम उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने के बजाय बौद्ध दर्शन के आरंभिक रूप, जो बुद्ध के निजी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जानेंगे। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया। त्रिपिटक को आरंभिक बौद्ध दर्शन का मूल और प्रमाणिक आधार कहा जा सकता है। त्रिपिटक की रचना पाली साहित्य में की गई है। पिटक का अर्थ है पिटारी, बॉक्स, और त्रि का अर्थ होता है तीन, इसलिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होगा तीन पिटारियां। सचमुच त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं की तीन पिटारियां हैं। सुत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक तीनों पिटक के नाम हैं। सुत पिटक में धर्म संबंधी बातों की चर्चा है। बौद्धों की गीता धम्म पद सुत पिटक का ही एक अंग है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसमें बुद्ध ने मनोविज्ञान संबंधी विचार संग्रहित हैं।
विनय पिटक में नीति संबंधी बातों की व्याख्या हुई है। इस सिलसिले में वहाँ भिक्षुओं के जीवनचर्या के संकेत दिए गए हैं। त्रिपिटक की रचना का समय करीब 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व माना गया है। बौद्ध दर्शन की प्राचीन पुस्तकों में त्रिपिटक के अतिरिक्त मिलिंद पन्हों अथवा मिलिंद प्रश्न का नाम उल्लेखनीय है। इस ग्रंथ में बौद्ध शिक्षक नागसेन और यूनानी राजा मिलिंद के संवाद का वर्णन है। रेस डेविज ने साहित्यिक दृष्टिकोण से इस पुस्तक की अत्यधिक सराहना की है। बुद्ध घोष ने त्रिपिटक के बाद इस ग्रंथ को बौद्ध दर्शन का प्रमाणिक और प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य द 4 नोबल ट्रूथ्स है। 4 आर्य सत्य क्या है, इसे जानने के पूर्व तत्व शास्त्र के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण जानना जरूरी है। अतः हम तत्व शास्त्र के प्रति बुद्ध के दृष्टिकोण को देखेंगे। प्रत्येक दार्शनिक कवि की तरह अपने समय की प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय मानव तत्व शास्त्र की समस्त समस्याओं को सुलझाने में निमग्न था। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा, जगत और ईश्वर जैसे विषयों के चिंतन में डूबा था। जितने विचारक थे उतने मत हो गए थे। इस दार्शनिक प्रवृत्ति का फल हुआ कि लोगों का नैतिक जीवन निष्प्राण हो रहा था। लोग जीवन के कर्तव्य भूल रहे थे। वे संसार में रहकर भी संसार से कोसों दूर थे। नीति शास्त्र के नियमों के प्रति लोगों की आस्था उठने लगी थी। जिस प्रकार विचार क्षेत्र में पूरी अराजकता थी, उसी प्रकार नैतिक क्षेत्र में भी अराजकता थी। उस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो लोगों को नैतिक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने में सहायक हो। बुद्ध इस मांग की पूर्ति करने में पूर्ण सफल हुए। बुद्ध एक समाज सुधारक थे, दार्शनिक नहीं। दार्शनिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर, आत्मा, जगत जैसे विषयों का चिंतन करता हो। जब हम बुद्ध की शिक्षाओं का सिंहावलोकन करते हैं तो उसमें आचार शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र इत्यादि पाते हैं, परंतु तत्व दर्शन का वहाँ पूर्णतः अभाव दिख पड़ता है। उनसे जब भी कभी दर्शन शास्त्र संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता तो वे मौन रहा करते थे। आत्मा और जगत से संबंधित अनेक लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति वे मौन रहकर उदासीनता का परिचय देते थे। ऐसे प्रश्न हैं जिनके संबंध में वे मौन रहा करते थे, ये हैं कि जैसे, क्या यह विश्व शाश्वत है या यह विश्व अशाश्वत है, या विश्व ससीम है या विश्व असीम है, क्या आत्मा और शरीर एक है, क्या आत्मा शरीर से भिन्न है, क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है, क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म नहीं होता है, क्या उनका पुनर्जन्म होना और न होना दोनों ही बातें सत्य हैं, क्या उनका पुनर्जन्म होना और न होना दोनों ही बातें असत्य हैं। ऊपर वर्णित 10 प्रश्नों को पाली साहित्य में, जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, अव्यक्तानी प्रश्न कहा जाता है, इनडिटर्मिनेबल क्वेश्चन। इन 10 प्रश्नों में प्रथम 4 प्रश्न विश्व से संबंधित हैं, बाद के 2 प्रश्न आत्मा से संबंधित हैं और अंतिम के 4 प्रश्न तथागत से संबंधित हैं। बौद्ध दर्शन में तथागत उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने निर्वाण को अंगीकार किया। इन प्रश्नों के पूछे जाने पर बुद्ध का मौन रहना विचार का विषय रहा। उनके मौन के भिन्न भिन्न अर्थ लगाए गए हैं। कुछ लोगों का मत है कि बुद्ध तत्व शास्त्रीय प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे, इसलिए वे प्रश्नों को उत्तर जानने पर निरुत्तर रहा करते थे। अतः इन लोगों के अनुसार बुद्ध का मौन रहना उनके ज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध के मौन का अर्थ निकालने यह अर्थ निकालना उनके साथ अन्याय करना है। यदि वे तत्व शास्त्रीय प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते तब वे अपने आप को बुद्ध की संज्ञा से विभूषित नहीं करते। बुद्ध का अर्थ होता ज्ञानी ही ज्ञानी है। इस प्रकार बुद्ध को अज्ञानी कहना उनके नाम बुद्ध को निरर्थक बनाना है। कुछ लोगों का मत है कि बुद्ध आत्मा, विश्व, ईश्वर आदि के अस्तित्व में संशय करते थे। लोगों के अनुसार उनका मौन रहना उनके संशयवाद की स्वीकृति है, परंतु तत्व शास्त्रीय प्रश्नों पर बुद्ध के मौन रहने का अर्थ लगाना भी समीचीन नहीं। यदि बुद्ध संशयवादी होते तब वे अपने को बुद्ध नहीं कहते। उनका सारा दर्शन इस तत्व को प्रमाणित करता है कि वे संशयवाद के पोषक नहीं है। अनेक विद्वानों ने बुद्ध के मौन का यह अर्थ लगाया कि उनका मौन रहना किसी निश्चित उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे जानबूझकर तत्व शास्त्रीय प्रश्न पूछे जाने पर मौन हो जाते थे। वे सर्वज्ञानी थे, उन्हें मानव के ज्ञान की सीमाएं विदित थी। उन्होंने देखा कि तत्व शास्त्र के जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिए गए। किसी भी प्रश्न के उत्तर में दार्शनिकों का एक मत नहीं रहा। अतः तत्व शास्त्र के प्रश्नों में उलझना व्यर्थ के विवाद को प्रश्रय देना है। अंधे स्पर्श के द्वारा जब हाथी के स्वरूप का वर्णन करते हैं तब उनका वर्णन विरोधात्मक एवं भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार अंधे हाथी का पूर्ण ज्ञान पाने में असमर्थ है, उसी प्रकार मानव, आत्मा, ईश्वर और जगत जैसे विषयों का पूर्ण ज्ञान पाने में असमर्थ है। अतः तत्वशास्त्र के प्रश्नों में दिलचस्पी लेना बुद्ध के अनुसार बुद्धिमता नहीं थी।
इसके अतिरिक्त बुद्ध तत्व शास्त्रीय प्रश्नों के प्रति इसलिए भी मौन रहते थे कि वे जानते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर व्यवहारिक दृष्टिकोण से निरर्थक है। बुद्ध के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है। उन्होंने दुख के संबंध में जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर जानने के लिए मानव को प्रेरित किया। उन्होंने दर्शन उनके दर्शन का उद्देश्य दुख का अंत सेसन ऑफ सफरिंग कहा है जाता है। इसलिए उन्होंने दुख की समस्या और दुख के निरोध पर अधिक जोर दिया। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं दुख और दुख निरोध पर ही अधिक जोर देता हूँ। सचमुच दुख से पीड़ित मानव को पाकर दर्शन शास्त्र के प्रश्नों में उलझने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं तो और क्या है। बुद्ध ने इस तथ्य को एक उपमा द्वारा सुंदर ढंग से समझाया। यदि कोई व्यक्ति बाण से आहत होकर किसी के पास पहुंचता है तो उसका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि बाण हृदय से निकालकर उसकी सेवा शुश्रूषा करना। ऐसा न करने के बजाय इन प्रश्नों पर कि तीर कैसा है, किसने मारा, कितनी दूर से मारा, क्यों मारा और तीर मारने वाले का रंग रूप क्या था, विचार करना मूर्खता ही कहा जाएगा। उसी प्रकार दुख से पीड़ित मानव के लिए आत्मा, जगत, ईश्वर जैसे प्रश्नों के अनुसंधान में निमग्न रहना निरर्थक ही कहा जाता है। अतः तत्वशास्त्र के प्रश्नों के प्रति बुद्ध का मौन रहना प्रयोजनात्मक है। हमारी समझ में उनके मौन रहने का यही उचित अर्थ।